ये हेलीकॉप्टर शिव भक्त कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। योगी सरकार ने शिव भक्त कांवड़ियों को सम्मान देने के लिए फैसला किया था कि सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर पुष्प की फूलों की वर्षा करेगी। योगी सरकार के इसी फैसले का पालन करने के लिए मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार, सहारनपुर मंडल के कमिश्नर संजय कुमार और सहारनपुर रेंज के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल कांवड़ियों पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। शुक्रवार को एडीजी प्रशांत कुमार हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिले के तमाम अधिकारियों के साथ साथ मंडल के भी अधिकारी मौजूद थे। मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, एसपी सिटी सतपाल आंतिल, एडीएम प्रशासन अमित कुमार आदि तमाम अधिकारियों ने एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार का स्वागत किया और उसके बाद ये पुष्प वर्षा का कार्यक्रम किया गया। ये हेलीकॉप्टर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों ने एक बार फिर से यह भरोसा दिलाया कि वह कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर तरह के इंतजाम कर रहे हैं। उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक कांवड़ियों पर गुलाब के फूल बरसाए गए और उसके बाद तमाम अधिकारियों ने शिव चौक पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये अधिकारी शिव चौक से पैदल ही कांवड़ मार्ग मेरठ रोड की ओर भ्रमण पर निकल गए। मीनाक्षी चौक तक पैदल भ्रमण करते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के निर्देश भी दिए। शानदार है। कांवड़ शिविर के आस पास की गंदगी को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जहाँ जहाँ तार लटक रहे हैं वहाँ वहाँ इसको ठीक करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष प्रबंध करने और रास्तों पर अस्थायी स्पीड बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि डाक कांवड़ के दौरान हादसों को रोकने के लिए प्रबंध किए जा सके। एक बार फिर से कांवड़ियों पर किए जा रहे पुष्प वर्षा का यह नज़ारा देखिए, गुलाब के फूल बरसाने का यह नज़ारा देखिए और अब इन अधिकारियों के बयान सुनिए। सर, पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या है सर, कहाँ की जा रही है? नहीं, पुष्प वर्षा से शासन की नीति के तहत जो स्पेशल लोग हैं वो कर रहे हैं, अधिकारी उसके साथ साथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं कि किधर से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ताकि उस हिसाब से व्यवस्थाएँ जमीनी लेवल पर की जा सकें। जो पुष्प वर्षा हो रही है वो श्रद्धालुओं के सम्मान में की जा रही है और शासन की नीति के तहत उसके लिए अलग से अधिकारी उसमें बैठे हैं जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। सर, कोई किस तरह का इनपुट सर? व्यवस्थाएँ आपने देखी होंगी कि इस बार ट्रैफिक भी ज़्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेटेड है और नहर के अंदर भी हमारी जो है जल पुलिस लगातार भ्रमणशील है। अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, कुछ दुर्घटनाएं हुई और उसको हम लोगों ने जीरो रिस्पांस टाइम पे टैकल किया है। देखिए, सुरक्षा के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है RAF दो कंपनी है, इसके अलावा BSF की एक कंपनी दी गई है, PSC भी लगाई गई है, गैर जिले से भी फोर्स मांगी गई थी मुख्यालय द्वारा, वो भी दी गई है। जहाँ तक ये गंग नहर का सवाल है तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए
फ्लड कंपनी की जो प्लाटून है, मोटर बोट और सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात की गई है। सुरक्षा के जो भी व्यवस्था होनी है हम लोगों ने पूरी कर रखी है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से कावड़ को हम संपन्न करा रहे हैं। नहीं, क्योंकि मंडल में हमारे जो मंडल का तीनों जिले हैं, तीनों जिले में ही कावड़ काफी भारी संख्या में कावड़िए गुजरते हैं। हम लोग भ्रमण पर हैं, मैं और कमिश्नर साहब भ्रमण पर हैं, सभी जनपदों में जा रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमी आदि दिख रही है वो हम उनको इंगित भी कर रहे हैं। पूरे सर कावड़ को लेकर कावड़ रूट की पूरी हम लोग ने रूट का भ्रमण किया है और खुशी है मुझे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी है, मुकम्मल है। बहुत भारी संख्या में भीड़ आई है। सफाई व्यवस्था थोड़ी और बेहतर करने को कहा है मैंने, खासकर शिविरों के आसपास जो गंदगी है उसकी व्यवस्था, जहाँ पर तार लटक रहे हैं वहाँ और वॉलंटियर्स किए जिससे कि तार को ऊंचा रख सके, और ओवरऑल जो व्यवस्थाएं सुरक्षा की, सफाई की, रूट डाइवर्जन की, और जो पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी है वो मुश्तैदी से काम कर रहे हैं, मैं उससे पूरी रूप से संतुष्ट हूँ। और बहुत ही अच्छे माहौल में देख रहे हैं ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर पुष्पों की वर्षा होनी थी आज 2:30 बजे के आसपास, मेरठ से जो है हेलीकॉप्टर आएगा, उसके बाद इस कार्य को प्रस्तावित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर भी होनी है कल, मुजफ्फरनगर में भी आज होगा और सहारनपुर में भी आज होगा, और कल भी पुनः जो है कुछ बचे रूट होंगे वहाँ भी प्रस्तावित किया जाएगा।